क्या यार, ये BenQ ने 21.5 इंच का आई कैट स्टाइलिश IPS मॉनिटर बनाया है यार, GW2283, वो भी स्टनिंग फुल एचडी IPS डिस्प्ले के साथ, और वो भी H2H स्लिम बेजल डिजाइन, और वो भी ड्यूल HDMI कनेक्टिविटी के साथ। क्या यार, काश मेरे पास होता यार। राइट फ्रेंड्स, ये मेरे पास आ गया है जो कि BenQ का 2283 है IPS डिस्प्ले, जिसका आज रिव्यू होने वाला है। बहुत टाइम से यूट्यूब पे मैंने वीडियो नहीं डाला था, और बहुत टाइम से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त सब DM कर रहे थे कि यार वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो आज मैंने फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ मैं इसका, जो कि सबसे बेस्ट होगा आई गेस। यार फर्स्ट टाइम हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो यार ऊपर नीचे होगा, बट यार एज ए ऑलवेज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो फिर डेफिनेटली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है अनबॉक्सिंग के लिए, तो यार चलिए शुरू। अरे यार तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो यार इसको रख दिया है अभी, और काट देते इसको। कट गया होता अभी, कट गया। तो देख सकते हो अलग अनबॉक्सिंग हो चुका है मेरे हाथों का। हाथों से रसबेरी पाई निकल रहा है, जो कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अनबॉक्सिंग करते करते क्या क्या करना होता है, इसी तरह हाथ कटते हुए कोई बात नहीं। और ये साथ मिलता है मैनुअल, जो कि जिसके अंदर हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई, ऑनलाइन वारंटी कार्ड मिल रहा है, देख सकते हो लोग ऑनलाइन वारंटी कार्ड है। दूसरी चीज़ है इसका एक मैनुअल डिस्क, जो कि कौन देखता है भाई अच्छी तरह की, पता नहीं। और है मैनुअल गाइड कैसे इसको यूज करते हैं। तो खैर इन सबको तो रखते साइड में, और आते हैं असली कंटेंट पे। इसके साथ मिलता है हमें स्टैंड, जो कि इसको होल्ड करने के लिए दिया गया है। तो यार स्टैंड का अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यार काफ़ी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, जैसे देख सकते हो एकदम, मतलब एकदम बहुत प्रीमियम सा फील आता है, एकदम तुम बोलते हैं ना चिकनाट, वो है स्टैंड। स्टैंड को रखते हैं राइट पे। इसके साथ मिलता है HDMI केबल, जो कि क्वालिटी तो जमाने से देते हुए आ रहे। इसके बाद है पावर एडेप्टर। पावर एडेप्टर तो चाहिए ना भाई पावर रखने के लिए, तो पावर एडेप्टर। अब खोलते हैं मेन माल को। इसके साथ मिलते हैं स्टैंड, जो कि मैंने आपको बताया था, जो कि पोर्टेबल सा एकदम ही अच्छा सा है ये। और जब मैंने BenQ के ऑफिशियल साइट पर पढ़ा था, ये एक मैजिक स्टैंड है। अभी मैजिक स्टैंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिंगार्डियम चड्यूसा करके इसको जादू करके कुछ कर सकते हो। मंत्र बोलना है रिंगार्डियम चड्यूसा। रिंगार्डियम चड्यूसा, बिल्कुल सही। मैं चाहता हूँ हाथ क्रॉस कर लीजिए, गुड, ध्यान, ओके। रिंगार्डियम चड्यूसा, रिंगार्डियम चड्यूसा। गार्डियम नहीं था सर, इट्स ओके, क्योंकि मेरी जो गुरु देवी है वो इंडिया आई हुई हैं, उनकी मदद लेना चाहूँगा। ये विंगार्डियम चडियोसा मंत्र उन्होंने ही मुझे दिया था, ये उन्हीं की विरासत है। नीलम मैम है मेरी, उनसे मिलना चाहेंगे। बिल्कुल, एंड वो आज हमारी जादू में मदद करेंगे, बिकॉज ये नेचर का जादू है, बहुत ताकत लगती है। ओके, ये स्टैंड बल्कि ऐसा है कि इसको नीचे करना है और
इस पैनल को सॉरी ऊपर करना है और इस पैनल को ओपन करना है तो कोई गायब नहीं होने वाला। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वायर डालना है आपको और वायर यहाँ से छुपा कर बाहर आना है और इससे आपका जो कंप्यूटर होगा जो डेस्क होगा वो बहुत क्लीन लुक देगा। तो बेसिकली इसे कैसे लगाते हैं, इसको ये ऐसा है पीछे से, इसको ऐसा अंदर डालना है, इसके अंदर एक बेस्ट पार्ट दिया है कि कोई स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं है, तो स्क्रू ड्राइवर खाच 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 स्क्रू है, स्क्रू के अंदर से वैसे फिट करना जो कि एकदम से इजी सा काम है, पता नहीं मुझसे क्यों नहीं हो रहा। One hour later. Oh my god. Two hours later. 3 hours later. Okay, तो हमारे से लॉक हो चुका है ये। तो ये ऐसे घुमाते हैं और ये घुमाते ही इसको करना नीचे और ये हो गया स्टैंड एकदम सॉलिड। इसी के साथ हम साफ करते हुए ये BenQ अगर देख रहा होगा तो देख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए हम क्या क्या करते हैं। बाद आता है फिर आता है डिस्प्ले के थ्रू और डिस्प्ले तो भाई कमाल अलग ही है। ये है डिस्प्ले, ये है डिस्प्ले, कहाँ है डिस्प्ले, अरे ये है डिस्प्ले। तो यार इसको करते हैं निकाला जाए, वस्त्र हरण कर रहे हैं इसका और जैसे कि देख सकते हो यार सही बोलूं माशाल्लाह का दिख रहा ही है। इसका जो बेजल है वो इतना कम है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये प्लग इन हो जाएगा तो क्या सॉलिड दिखने वाला है। सही में यार देख सकते हो यार तुम लोग बहुत बहुत कम बेजल दिख रहा है इसके अंदर, बहुत बेजल जैसे ही है। और सही में BenQ ने जो बोला था वो मतलब आप एक पेंसिल के साथ आप एक देख सकते हो, इतना छोटा बेजल है इसके अंदर, बहुत छोटा सा बेजल है। आपको इसका एक क्लोजर लुक दिखाता हूँ मैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो अभी इसको एक काम करते हैं, इसको स्टैंड पे फटाफट लगा लेते हैं। ये इसका स्टैंड है जो कि आप लोग को दिखाया था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एकदम बैठ चुका है अभी, तो इसको आप उठा सकते हो, फेंक सकते हो, बस फेंकना है। बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर ये चार होल है जिससे आप सीधा वॉल माउंट कर सकते हो, ये है इसका वॉल माउंटिंग फीचर। इसके बाद आते हैं हम लोग इसके नीचे के पोर्शन में, जो कि इसके नीचे के पोर्शन में ये सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको। ये जो पोर्ट्स है इसके अंदर पहला है HDMI 1, HDMI 2 और ये है VGA केबल। इसके अंदर आता है लाइन इन जो कि आप माइक लगा सकते हो और एक आता है लाइन आउट जो कि आप इसमें आप हेडफोन लगा सकते हो, तो जिसके थ्रू आप गेमिंग और हेडफोन दोनों ही लगा सकते हो। तो एक बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव आपको एक फील हो सकता है। और इसके अंदर इधर है लेफ्ट हैंड साइड पर इसका है पावर अडेप्टर लगाने के लिए जगह, जो कि आपको पावर सॉकेट लगाना है, पावर सॉकेट जो आपको ऊपर की साइड पर केबल है, ठीक है। इस केबल को सीधा इसके अंदर डालना है ऐसे और फिर यहाँ से केबल बाहर आएगा
और बाद में जितना आपको केबल लगता है उतना ही और इसको सीधा अंदर डाल दो, जिससे ये पावर इन हो जाएगा। और जो मैजिक है, अगर आपने श्रद्धा से बोला है तो इस वायर को इसके अंदर डालना है, ये वायर को इसके अंदर डालना है और बस ये जादुई जो क्या कह सकते हैं, छोड़ो जो भी है, इसे बंद करना है ऐसे और एक आवाज़ आएगा। सुनाई दिया वो आवाज़, जन्नत वाली फीलिंग आती है, सही बता रहा हूँ मैं। बहुत क्लीनिंग सा लुक देते हैं और अब इसको चालू कर देते हैं। यार इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बेजललेस इसका लुक है, इसके बाद इसके अंदर BI टेक्नोलॉजी है जो कि ब्राइटनेस इंटेलिजेंस का बेनिफिशियल है, जिनको एनिमेशन और गेमिंग खेलना होगा, जिनका मिड रेंज है 8,000 से 7,000 के बीच में, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है BenQ का। ये सबसे 21.5 इंच का है। इसके बाद आता है, इसके ऊपर क्या आते हैं, GW2480 और फिर आता है GW2780 जो कि है 27 इंच, इसके बाद 24 इंच और ये आपके सामने है वो है 21.5 इंच जो कि बॉक्स पर 22 इंच करके आता है। तो ये है GW2283। ओके, इसको शुरू कर देते हैं। जैसे देख रहे हो तुम लोग, बहुत कमाल का ही दिखता है ये, ऊपर से एकदम ही बेजल इसका बहुत कम है, एकदम ही कम बेजल है इसको और बहुत अच्छा सा लुक देता है ये। इसके अंदर गेम और एनिमेशन करने में क्या मज़ा आ जाएगा यार। एक क्लीन सा बोल्ड सा लुक है इसका और जो आज के ज़माने में सब कंप्यूटर मार्केट करती है, तो एक बहुत अच्छा सा डिस्प्ले देखने को मिलता है आपको। और इसका एक रिफ्रेश रेट है 60Hz का रिफ्रेश रेट है और इनको मिलता है 8-bit पैनल जो कि 16.7 मिलियन कलर को डिस्प्ले कर पाता है, तो जो कि सबसे बेस्ट पार्ट होता है एक वीडियो एडिटर को कि उसका कलर एक्यूरेशन एकदम प्रॉपरली आना चाहिए, और ये TCO सर्टिफाइड है। तो इसी के साथ इसके तीनों मॉडल के अंदर भी TCO सर्टिफाइड मिलते हैं, को आगे के भी दो मॉडल देखने होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दो नीचे कमेंट बॉक्स पर कि आपको GW2780 देखना है या GW280, मैं उसका अनबॉक्सिंग करूँगा। और इसके अंदर आपको मिलता है एक फ्लिकर फ्री ऑप्शन जो कि फ्लिकर फ्री इसके अंदर बहुत अच्छा है। जैसे इसके सेटिंग में जाके देखते हैं हम लोग क्या क्या इसके मेन्यू में है, तो ब्राइटनेस इंटेलिजेंस जो कि दिया है उसको हम लोग ऑन कर देते हैं जो कि ऑन ही है पहले से, और इसके अंदर और सेटिंग देखते हैं और क्या क्या मिल रहा है नीचे जाकर। सेंसर सेंसिटिविटी 100 है, तो इसका मतलब ये है कि आई केयर सिस्टम तो बहुत इसका बहुत कमाल का, और इसके अंदर जो BI टेक्नोलॉजी है वो आपके लाइट के एम्बियंट लाइट के हिसाब से चलता है, तो जो एम्बियंट लाइट जब हमारा जो घर का जो लाइट है वो जब बंद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक डिम हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है वो और वो हिसाब से अपना ब्राइटनेस रख रहा है। इसके मेन्यू के अंदर और जाते हैं और चेक करते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। इसके नीचे जाने के बाद डिस्प्ले आता है, डिस्प्ले का इनपुट है, इनपुट हमने रखा है HDMI 2 है और वन में DSub आता है जो कि आपके पास हो तो आप डाल सकते हो, मैंने अभी इसके अंदर HDMI लगाया हुआ है। इसके बाद आता है इसके पिक्चर में शार्पनेस आप 5 रख सकते हो या 6 रख सकते हो या जो भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर है जितना आपको रखना है, आपको 10 रखना है 10 रख लो। तो यार कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो और शार्पनेस दिखने में तो ये बहुत कमाल का डिस्प्ले है, सही में यार ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है कि कितना ये कमाल का डिस्प्ले दिखने को है। ओरिजिनल लाइफ में जब आप लोगे तो ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा दिखने वाला है आप लोग को, और एक एवरेज कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है ये, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है ये। इसके नीचे आते हैं पिक्चर इन एडवांस के अंदर आता है पिक्चर मोड जो कि है स्टैंडर्ड लो ब्लू लाइट, उसके बाद आता है मूवी, गामा, फोटो, sRGB, एको, यूज़र। ये बेसिकली बहुत सारे अलग अलग आपको मोड देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर आप देखने जाए तो इसके अंदर जो स्टैंडर्ड मोड पे अभी है, इसके बाद आता है लो ब्लू लाइट में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, मल्टीमीडिया, वेब सफ़र और ऑफिस और रीडिंग। तो ये आपके आई को बहुत अच्छे से एक कंफर्ट में रखेगा। इसके बाद आते हैं इसके अंदर, तो आपने देख लिया सब मोड्स है इसके अंदर, ओवर स्कैन है, ओवर स्कैन,
डिस्प्ले मोड है, डिस्प्ले मोड हमने फुल रखा हुआ है। HDMI RGB PC रेंज रखा हुआ है हमने ऑटो डिटेक्ट पे, जो कि RGB ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है क्या उसे क्या ज़रूरत है क्या नहीं। उसके बाद आते हैं ऑडियो। इसकी ऑडियो क्वालिटी तो हमने देखा नहीं है, पर इसकी ऑडियो क्वालिटी को ऑडियो को हम फुल कर देते हैं तो जिससे हमें पता चल जाएगा। ये हो गया ऑडियो 100। और इसके बाद जाते हैं बैक नीचे सिस्टम में। सिस्टम के अंदर है OS सेटिंग, कस्टम की, कस्टम की टू, तो जैसे आपको आपके कस्टम के हिसाब से रखना है वैसे आपका कस्टम की आ जाएगा नीचे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसके अंदर। और रेजोल्यूशन नोटिस इसके अंदर है। ऑटो पावर ऑफ का भी सिस्टम है इसके अंदर, तो जैसे ही इसने देख लिया कि आपका डिस्प्ले चल नहीं रहा है 2-3 मिनट से, 10 मिनट के अंदर ही बंद कर सकते हैं, 20 मिनट 30 मिनट जब जैसे आपको बंद करना है वैसे कर सकते हैं। रेजोल्यूशन नोटिस इसके अंदर जो रेजोल्यूशन जो आपको मिलता है आउटपुट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अपने हिसाब से, तो ये बहुत अच्छा है। इन्फॉर्मेशन इसके अंदर करंट रेजोल्यूशन अभी जो चल रहा है वो है 1920:1080 at 60 frames। उसके बाद चल रहा है ऑप्टिमम रेजोल्यूशन, वो भी 60 फ्रेम में चल रहा है, और मॉडल नेम है GW2283 जो कि सही में कमाल का है। रीसेट ऑल कर सकते हो आप, अगर आपसे कुछ भी अगर गलती हो गया तो फिर रीसेट ऑल आता है और सीधा यस कर सकते हो, रीसेट हो जाएगा जो भी है सिस्टम। इसको करते हैं कट और अब जाते हैं थोड़े साउंड के इसमें। तो यार साउंड की बात करूँ तो साउंड तो मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा इसका BenQ का, जो कि हालांकि इसके अंदर 1 वोल्ट का आपको 2 स्पीकर देखने को मिलता है BenQ की तरफ से, जो कि बहुत कम ही आवाज़ देता है। तो आप एक मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ये बेस्ट है जो आप इसके ऊपर रिलाई हो सकते हो, तो ज़रा भी नहीं। इसके अंदर से 1 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है आपको, जो कि कंपनी दे रही है वो भी 2 स्पीकर है, जिसका आवाज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा ठीक ठाक है, ऐसे बोल भी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ठीक ठाक है। जिसके अंदर बेस का लेवल तो ज़रा भी नहीं है, वो एक नेचुरल वाली फीलिंग ही नहीं है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं इसके पीछे है 1.2 का हेडफोन जैक है इसके अंदर और एक माइक्रोफोन जैक है, तो जिससे आप गेमिंग खेलने के लिए बहुत सही है, तो गेमिंग आप खेलते खेलते माइक्रोफोन पर बात कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इसकी H2H बॉर्डरलेस डिस्प्ले, तो आपने देख ही ली है अंधेरे के टाइम पर, तो अभी लाइट है, जैसे लाइट ऑफ कर दीजिए प्रॉपरली विजन दे सकता है, वैसे उसने सब कुछ सेट किया हुआ है। जैसे मैं लाइट ऑन कर दूंगा तो ये बहुत कमाल का लग रहा है मुझे इसका ये फीचर। और अंदर आपको 5 mAh मिलता है आपको, जो कि बहुत कमाल का है, जिससे आपको लैग नहीं होगा गेम, और बहुत जल्दी से ही आपको आप देख सकते हो बहुत जल्दी से ही आपको इसके अंदर मज़ा सही आ जाएगा यार, एकदम ही कमाल का है, और ज़रा सा भी ऐसे कोई लैग नहीं है गेम के अंदर, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स टाइम है इसका जो कंपनी ने जो 5 mAh दिया हुआ है इसके अंदर। आई होप आपको अच्छा लगा हो इसका रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा रिव्यू इसका BenQ 2283। अगर आपको और ऐसे रिव्यूज चाहिए होंगे तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा रिव्यू इसका। आपको अगर कोई भी डाउट्स होगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ड्रॉप करना और बता देना कि आपको क्या जानना है इसके बारे में, मैं तो सब कुछ लिख दूंगा कमेंट के अंदर, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सब कुछ रहेगा। ये डिस्प्ले मैंने कहाँ से परचेस किया है ये सब मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, तो आप दुकान से जाके या दुकान पे फ़ोन लगा के आप मंगवा सकते हो इसको, आप वहाँ पर जाके भी ले सकते हो इसे, तो ये बहुत बेस्ट है।
आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा वीडियो GW2283 का। इसके अंदर मैंने सब कुछ स्पेसिफिकेशन सब कुछ आपको बताया हुआ है डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले क्वालिटी, रेजोल्यूशन, साउंड, ए टू जेड आपको बताया हुआ है, गेम खेल के भी बताया हुआ है। ये सही में बहुत बेस्ट है जो बिगनर्स है जिनको बेजललेस में जाना है और बहुत अच्छा जो एनिमेशन करने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत बजट के अंदर है। अगर आपको ये डिस्प्ले चाहिए रहेगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका दुकान का नंबर और दुकान का नाम दिया हुआ है जो कि आपको बहुत होलसेल प्राइस में देगा इसको। उधर जाके मेरा नाम ले लेना, आप कौन से रेफरल से आए हो, और आपको डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा ऑफ मिल जाएगा जो कि मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम होगा। और इसके अंदर जो वारंटी है और BenQ बहुत सही है वारंटी और ये सब के लिए, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी अगर आपको और प्रॉब्लम्स हो गए तो फिर प्लीज़ मुझे DM कर दो, DM करने पे मैं आपको जो भी आपका सवाल रहेगा उसका जवाब मैं दे दूँगा यार। तो यार इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत टाइम बाद वीडियो ला रहा हूँ मैं। बताओ कि क्या मुझे क्या डेवलप करना चाहिए वीडियो के अंदर, तो जिससे मेरे को समझ आ जाए वीडियो के अंदर क्या क्या डेवलप करना है यार। तो एज अ ओवर एंड आउट अभी के लिए टेक केयर गाइस, और कुछ भी और अगर आपको रिव्यूज़ चाहिए रहेगा तो प्लीज़ मैसेज ड्रॉप डाउन करो, लिंक्स मैंने सब नीचे दिए हुए हैं ईमेल के, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करो जितना हो सके उतना।